प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज के बहुत ही खास बेला में जो कि गुरु पूर्णिमा का विशेष दिन है, श्रावण मास का पहली पूर्णिमा, यानी कि वो रोशनी जहाँ पे हम सभी ज्ञान स्वरूप में जो हमारे ब्रह्म गुरु होते हैं, किसी भी प्रकार का ब्रह्मांड में ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो अनंत कोटि विशाल ब्रह्मांड से हो या उसमें मौजूद किसी भी सूक्ष्म जीव जंतु या किसी भी सृष्टि के कण से भी यदि हमें ज्ञान मिलता है, तो आज के दिन हम उन सभी ज्ञानवर्धक तथ्यों को गुरु मानकर उनको प्रणाम करते हुए, डाउन टू अर्थ अपने आप को ग्राउंडेड करते हुए, स्वयं के सभी अवगुणों को देवों को समर्पित करते हैं। और साथ ही साथ पूर्णमासी के इस शीतल चांदनी में, जो कि महाप्रभावशाली है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास के प्रारंभ में जो पूर्णिमा होती है, यानी जो आज का गुरु पूर्णिमा का दिन है, इस दिन ही महाआदि शिव ने माता शक्ति को अखंड ज्ञान दिया था। और इस तरह से ब्रह्मांड के प्रथम गुरु आदि शक्ति, आदि शिव जो हैं, आदि शक्ति के साथ मिलकर ज्ञान और शिष्य, यानी गुरु और शिष्य के प्रथम चरण में, प्रथम कार्य में प्रस्तुत हुए थे। तो इस तरह से माना जाता है जो आदि शिव हैं, यानी कि शिव से भी ऊपर आदि शिव पितामह जो शिव हैं, उन्होंने माता शक्ति को आज के दिन ही श्रावण मास की प्रथम दिवस यानी पूर्णमासी को शिव तत्व का ज्ञान दिया था, और जिसी से अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि में व्याख्या है, जिसे हम और आप सभी आज तक ग्रहण कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं उस असीम ज्ञान का। तो आज उन्हीं महाशिव और माता शक्ति को प्रणाम करते हुए सभी हमारे गुरुओं को, जिन्होंने किसी भी जन्म में किसी भी रूप में हमें ज्ञान दिया है, चाहे वो हमारे किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो, प्रकृति हो या सूक्ष्म जीव जंतु हो, जिन्होंने जीवन दर्शन पे हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन दिया है, उन सभी देवों को प्रणाम करते हुए हम आज की रीडिंग पे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज की रीडिंग वास्तव में एक रीडिंग ना होकर एक चैनल्ड मैसेज है। जैसा आप सभी ने पूछा था कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपनी साधना को किस प्रकार करें, अपने मेडिटेशन को किस प्रकार करें, जिसका उत्तर सुबह मेडिटेशन करते वक्त शिव जी के ध्यान में जो स्वयं उनके स्वरूप से मुझे मुखारविंद हुआ, जो उनके मुख से जो प्राप्त हुआ, वो मैं आप संदेश आप सभी को पहुंचाना चाहती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि धरती असीम ऊर्जा के साथ अपनी नई गतिविधियों में अपने नए स्वरूप को प्राप्त होने के लिए आतुर है, और निरंतर एनर्जी का वो प्रभाव, वो फ्लो चल रहा है कि जो पहले एक मिनट में काम हुआ करता था या किसी ज्ञान या किसी कार्य को होने में कई दिन लग जाते थे, आज सेकेंड्स में वो काम हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि एसेंशन की गति इतनी तीव्र है, इतनी तेज़ी से आप सभी अपने अंदर स्वयं में अनुभूत कर रहे हैं उन परिवर्तनों को। सृष्टि इस तरह से अपने स्वरूप को बदल रहा है कि ज्ञान की असीम रोशनी हमारे अंदर लगातार भरती जा रही है, और हम और आप सभी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आज का जो श्रावण मास का पूर्णमासी है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप से मनाते हैं, उस दिन हम किस प्रकार से अपना मेडिटेशन करें, जिसके लिए शिव जी का विशेष चैनल मैसेज मिला, वो ये है कि धरती जिस गति से बदल रही है, उसके पैरेलल ही, उसके समांतर ही धरती पे मौजूद प्रत्येक प्राणी भी उस एनर्जी के फॉर्म में अपने आप को बराबर तेजी से आगे की तरफ असेंड कर रहे हैं ऊर्जा के स्वरूप में। और ऐसी स्थिति में कुछ भी संभव है। जो हम कहते थे कि ये चीज़ें असंभव हैं या इनको होने में बहुत वक्त लगेगा, चुटकियों में असेंशन हो रहे हैं। अगर हम कुछ दिन पहले अपने आप को 3D में पा रहे थे,
अब हम अचानक से ट्रांसफॉर्म होकर बहुत तीव्र गति से 4D टू 5D में आए हैं। और जैसा कि आपने पिछले चैनल मैसेज में सुना है कि बहुत सारे हमारे ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हैं या असेंडेड सोल्स हैं, वो सडनली 5D से भी फर्स्ट लेवल ऑफ 6D एंटर कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा असेंशन का स्वरूप है जो कि इतनी जल्दी नहीं प्राप्त होता है, लेकिन धरा परिवर्तन में है। मदर गया, हमारी माता प्रकृति जो भी है, वो तेजी से अपने स्वरूप को बदल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये गाइडेंस मिला है कि जितनी भी धरती पे आत्माएं, पुण्य आत्माएं, दिव्य आत्माएं हैं, वे सभी स्वयं के स्वरूप में अंतर्निहित हो जाएं जितनी जल्दी हो सके, अपने ही स्वरूप को। कहने का तात्पर्य ये है कि स्वयं की आत्मा को ही गुरु और देव के स्वरूप में अब हमें मानना है, जिसका शुभारंभ आज से ही शुरू हो गया है। माना कि गुरु पूर्णिमा के दिन से ही आज का जो मेडिटेशन है उसमें उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के महायोग शिव जो हैं, वही स्वयं हमारी आत्मा में विराजमान हैं। और आज के मेडिटेशन में स्वयं उनका संदेश जो मिला है वो ये है कि प्रत्येक जीव जो इस समय सुन रहा है इस मैसेज को, आज से ही अपनी दिव्य शक्ति यानी अपनी आत्मशक्ति, अपनी आत्मा की शक्ति को ही अपना गुरु मान के चलेगा। जितनी जल्दी संभव हो सके आप सभी को इस एनर्जी में आना है। और आज ही वो प्रथम दिवस आप लेंगे जब अपने स्वरूप को ही आप दिव्य रोशनी में देखेंगे, यानी कि शाम में जो चंद्रमा पूर्ण स्वरूप में होगा, उस समय ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को प्रणाम करते हुए, महाशिव का ध्यान करते हुए, हम और आप सभी योग मुद्रा में बैठें, अपनी सभी चक्रास को बैलेंस फॉर्म में यानी कि अपनी मेडिटेटिव स्टेट में लेके आएंगे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी ताकि आपके सभी चक्रा जो 7 चक्रास हैं वो अलाइन हो सकें, और स्वयं के स्वरूप को यानी 3D पार्ट की जो बॉडी हम लेके आए हैं उसके स्वरूप को ध्यान शून्य करना है, विचार शून्य करना है। कुछ भी नहीं आपको सोचना है, किसी भी तरह से भाव शून्य और विचार शून्य होते ही आप उस एनर्जी में स्वयं को पाएंगे जहाँ चंद्रमा की शीतलता और उसकी दिव्यता आप स्वयं के अंदर अनुभूत करेंगे। और धीरे धीरे आप अपने मेडिटेटिव स्पिरिट के दिशा निर्देशन में यानी अपनी आत्मा को गाइड मानकर, अपनी आत्मा को ही अपना गुरु मानकर आप अंतर्दर्शन करेंगे। ये वो आत्मा ही है जो आपके सभी जन्मों के सभी स्वरूपों की साक्षी है, और यही वो अखंड गुरु है परमात्मा के बाद, जो आपको प्रतिपल प्रत्येक जन्म के अच्छे या बुरे संकल्पों को जो आप लेके आज प्रस्तुत हैं उनमें से क्या सही है और क्या गलत है इसकी व्याख्या करते हुए आपको ये दिशा निर्देशन, ये गाइडेंस देगी कि जो चीज़ें आपकी हित में नहीं हैं उन्हें त्याग दें, और जो आपकी शक्तियां हैं, जो आपकी पॉजिटिविटी है, उसी स्वरूप को जितनी जल्दी हो सके आप स्वतः में धारण करें। आप देखेंगे आपकी अंतरात्मा ही आज से आपका गुरु स्वरूप लेके हमेशा हर क्षण प्रतिपल आपके साथ है। स्वयं ब्रह्मांड जिसमें शिव विराजित हैं, उन महाशिव की जो ज्योति है वो स्वयं उस आत्मा के अंदर विराजित है। और आज का जो संदेशा है वो यही है कि आज से ही स्वयं की आत्मा को ही अपना पूर्ण गुरु मानकर आज आप ध्यान करेंगे और अपनी अंतर शक्ति से प्रथम परिचय आज आप करेंगे। जो आप 5D से 6D में भी मूव कर रहे हैं उन सभी के लिए भी ये संदेशा है, और वे सभी जो किसी भी प्रकार के असेंशन में हैं और इस मैसेज को सुन रहे हैं, हम सभी के लिए ये प्रभु का गाइडेंस है कि दिव्य स्वरूप गुरु स्वयं हमारे अंदर विराजित हैं। जिनसे हमने अब तक ज्ञान लिया है उन सभी को ग्रैटिट्यूड, सादर नमस्कार, वंदन, और साथ ही साथ आज की चंद्रमा की शीतलता
और उस दिव्यता के साथ हम अपने अंतरदर्शन में स्वयं को, अपनी स्वयं की जो अंतरात्मा है उनको गुरु के स्वरूप में स्वीकार करेंगे। तात्पर्य, हम अपने जीवन को अपनी आत्मशक्ति के साथ परम शक्ति से आज ही जोड़ेंगे और आप सभी देखेंगे जो भी अनुभव आपका होगा वो आप मैसेज में कमेंट बॉक्स में डालिए। जो संदेश मिला है उसमें ये कहा गया है कि सभी दिव्यात्माओं को दिव्य दर्शन होंगे किसी ना किसी स्वरूप में। करना क्या है, भोजन यदि हो सके तो लिक्विड फॉर्म में ही करें। मेडिटेशन के वक्त आप कोई भी भारी भोजन करके नहीं बैठेंगे और यहीं पर यह भी है कि आप खाली पेट भी नहीं बैठेंगे। जब भी आप परम शक्ति से मिलते हैं आपके अंदर वो उतनी शक्ति ज़रूर होनी चाहिए आपकी काया में कि उस शक्ति का यानी जो परम शक्ति है उसकी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने के लिए आपकी क्षमता, आपके शरीर में भी वो क्षमता होनी चाहिए। तो जो भी अल्पाहार, फलाहार या एक समय का भोजन मेडिटेशन से लगभग 3 घंटे पहले आप कर चुके होंगे, बाद में आप भले ही भोजन कर सकते हैं, आज के मेडिटेशन में आप स्वयं की ऊर्जा को पहचानेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं हम 4D कॉन्शियसनेस से 5D कॉन्शियसनेस में और 5D कॉन्शियसनेस से रिसेंटली बहुत सारी हमारी प्रोग्रेसिव ट्विन सोल जो हैं वो 6D कॉन्शियसनेस में भी जा रहे हैं। और जो कहना है वो ये कि 4D कॉन्शियसनेस में आप टाइम जोन में भ्रमण कर रहे होते हैं, यानी आपकी बॉडी ट्रांजिट होती है, आप ट्रांस की फीलिंग लेते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल की भी फीलिंग लेते हैं, आपका माइंड आपकी सोल दोनों पैरेलली टाइम जोन के आसपास घूमती रहती है और बहुत सारे कंफ्यूजन और बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढती रहती है। लेकिन जैसे ही आप 5D के कॉन्शियसनेस में आते हैं आपके वो सभी सवालों के उत्तर स्वयं मिलना आपकी आत्मा से शुरू हो जाते हैं। 5D की यही पहचान है कि आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में, वननेस में आ जाते हैं। हार्ट चक्रा से पूरी तरह से कंट्रोल्ड ये 5D कॉन्शियसनेस आपको बहुत ढेर सारे अनकंडीशनल लव से भर देती है और 5D कॉन्शियसनेस में आपका माइंड पीछे छूट जाता है। आप हार्ट से यानी कि फुल अनकंडीशनल लव एंड नॉलेज के साथ, जो सोल लेवल का नॉलेज है उसके साथ आप 5D में डील करते हैं यूनिटी कॉन्शियसनेस में, यानी कि वननेस की एनर्जी में। वननेस की एनर्जी मतलब जो कुछ भी अथाह शक्ति इस ब्रह्मांड की है उसके अंदर व्याप्त हर एक जीव स्वयं आपको स्वयं का स्वरूप नज़र आता है और आप स्वयं अपने आप को ब्रह्मांड के स्वरूप में देखते हैं। यानी कि कोई किसी से ना तो कम है ना ज़्यादा है, किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भावना नहीं, हर सवाल का उत्तर स्वयं आपकी अंतरात्मा दे रही है। इस तरह की लाइट में आप 5D में रहते हैं, बाधाएं आपका रास्ता नहीं रोकती, थोड़े थोड़े चैलेंजेस आते जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी आप उन्हें कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अपनी सोल से आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। 5D कॉन्शियसनेस में आपको जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो टाइम की सीमा से भी परे होते हैं। टाइम यहाँ मैटर नहीं करता, आपका हार्ट, आपकी सोल किसी भी समय कहीं भी मौजूद हो सकती है, किसी से भी कनेक्शन लेती है, चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे स्वयं डिवाइन की एनर्जी हो या फिर इस धरती पे मौजूद हर वो प्राणी, हर वो जीव जंतु जिससे आपका लगाव है, आप डायरेक्ट उन्हें रेडिएशन देते हैं 5D कॉन्शियसनेस में। परंतु अभी जो असेंशन की एनर्जी आई है और इस पूर्णमासी से और भी तेज होने वाली है, जैसा कि आप सभी को गाइड किया जा रहा है, यदि आज आप अपने स्वरूप को दिव्य ज्योति में देख रहे हैं और यकीनन देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप 60 लेवल को भी टच कर रहे हैं। क्या है ये 60 लेवल दोस्तों? 60 लेवल में आप सेक्रेट ज्योमेट्री में प्रवेश कर रहे हैं। सेक्रेट ज्योमेट्री, अभी तक 5D में आप बहुत सारे विचारों से भरपूर रंग बिरंगे
हायर रेल्म की एनर्जीज को देखा करते थे, महसूस करते थे। आपको बहुत सारे एंसेस्टर्स भी नज़र आया करते थे जो आपके लिए हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, एंजल्स आपके साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही आप 60 लेवल के फर्स्ट सब लेवल को टच करते हैं, आप सेक्रेट ज्योमेट्री को एंटर करते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे सिंबल, साइन, स्क्रिप्ट्स, जो कि बहुत पुरानी स्क्रिप्ट जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हुआ करती थी, मे बी आपके मेडिटेशन में बहुत सारी वो ज्योमेट्रिकल साइन और सिंबल दिख सकते हैं, जो कि यूनिवर्स की मैट्रिक्स के साइन और सिंबल्स हैं, जिनका वास्तव में कुछ ना कुछ अर्थ है। आज के मेडिटेशन में सबसे पहले आपको स्वयं से साक्षात्कार करना है, अंतरात्मा को ही। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपना गुरु स्वरूप में देखेंगे, जो हर समय हमारे साथ हैं, और यही गुरु स्वयं आदि शिव हैं, जो ब्रह्मांड की एनर्जी में कण कण में व्याप्त हैं। उस स्वरूप में हमारी आत्मा की एक एक छोटी इकाई के अंदर वो शिव जी की ही शक्ति व्याप्त है। आज जो आप अपने आप के स्वरूप को देखने वाले हैं, किसी भी तरह के पुराने विचार, पुराने भाव, पुरानी जितनी भी परिपाटी अभी तक आप लेके आए थे, नो स्क्रिप्ट, नो इमोशन एंड नो थॉट्स। जब इस तरह से आप पूरी तरह शून्य में अपने आप को सरेंडर करेंगे और अपनी अंतरात्मा को चंद्रमा की रोशनी में शिव जी का ध्यान करके आह्वान करेंगे, आप स्वयं की उस परम ज्योति को देख सकेंगे। और यही वो उंगली है जो आपको 60 लेवल की प्रथम सीढ़ी पर खड़ा हुआ दिखाएगी, और ये है आपकी लाइट कॉन्शियसनेस। ज्योमेट्री कॉन्शियसनेस के आगे बढ़ते हुए आप लाइट के फॉर्म में, अभी तक जो चीज़ें आप पैटर्न में देख रहे थे, चाहे वो सिंक्रोनिसिटी हो या किसी सपने का या विज़न का या इंट्यूशन का आप सामना कर रहे थे, आप अनुभव कर रहे थे, अब जो कुछ भी आपको मिलने वाला है, अगर आपने 60 कॉन्शियसनेस में अपने आप को महसूस किया है, तो आप स्वयं की ज्योति को लाइट के फॉर्म में देखेंगे। इस समय आपकी भावनाएं पूरी तरह से शून्य, वननेस कॉन्शियसनेस से भी कहीं ऊपर आप जब उठने लगते हैं, तो सब कुछ सही है, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। एवरीथिंग इज सिंगल फॉर्म ऑफ यूनिवर्स। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो अनुभव आपको होंगे, वो स्वयं आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक पहुँची है, और आपका जो ज्योति पिंड है, यानी आपकी जो परमात्मा से पूरी तरह से रोशन आपकी आत्मा है, उसे ही हम दिव्य ज्योतिपुंज कहेंगे, वो आपको आज आपके दर्शन कराएगी, यानी स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार। दोस्तों, जैसा कि माना गया है, मेडिटेशन में एनर्जी फ्लो जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रेज से होता है। कॉस्मिक रेज हमारी सोल को टच करती हैं और हम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे किसी वायरिंग में करंट फ्लो होता है। साथ में यदि जल का समागम हो, आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे सिद्ध योगी हुआ करते थे, वो नदी में खड़े होकर या किसी जल स्रोत के अंदर खड़े होकर अपनी साधना करते थे। उसका कारण ये है कि कॉस्मिक एनर्जी को और भी पावरफुल फॉर्म में जो चैनल करती है, वो जल की शक्ति है। जल की शक्ति को महाशक्ति माना गया है, और आप देखते हैं किसी भी धर्म में जल का विशेष महत्व हो, होली वाटर कहें या गंगा जल कहें या किसी भी और समुदाय का पवित्र जल कहें, सभी जल के महत्व से परिचित हैं। यहाँ तक कि आत्मा भी जल को स्पर्श करती है, ऐसा माना गया है। उस स्वरूप में आज आप जो महसूस करेंगे, कॉस्मिक एनर्जी साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड करेंगे, यानी जल से परिपूर्ण, और उससे भी बड़ी बात, जो दिव्य शीतलता मिलने वाली है चंद्रमा की। आपने देखा, चंद्र शक्ति जो है वो हमेशा
पवित्र दिनों को दर्शाती है। चंद्रमा की जब शक्ति पूरे उरूज पर होती है, फुल फॉर्म में होती है, यानी पूर्णमासी के दिन, उस दिन कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो डबल हो जाता है। चंद्रमा अपनी ग्रेविटी के साथ पृथ्वी के साथ समायोजन करता है, और आप देखेंगे कि चंद्र शक्ति के साथ जब आप मेडिटेट करते हैं, आपको अलाइनमेंट के साथ वो शीतलता मिलेगी, वो एकाग्रचित होकर आप अपने आप को देख पाएंगे कि स्वयं की शक्ति में वो शीतलता, वो मैग्नेटिज्म, वो पावर आप महसूस करेंगे। तो इस विशेष तरह के मेडिटेशन के लिए आप सभी को आज तैयार होना है। यही शिव जी से आप सभी के लिए मैसेज है। ये मेडिटेशन कोई भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी लेवल ऑफ असेंशन में हो, 4D, 3D, 5D, 6D या सब रेल्म में भी अगर आप हैं, आप सभी अपनी आत्मा के शुद्धिकरण को आज महसूस कर पाएंगे। आज ही आप अपनी दिव्य आत्मा को महागुरु के रूप में देखेंगे, और यही आत्मा अब आपको आगे आपकी जर्नी पे रास्ता दिखाने वाली है शिव जी के आदेश। तो आप सभी को जो डिवाइन मैसेज है वो यही है कि अपनी दिव्य आत्मा को, अपने ज्योतिर्पिंड को शिव जी के प्रेजेंस में, चंद्र की उपस्थिति में आप आज महसूस करेंगे, और स्वयं आप अपने अनुभव को मैसेज में, कमेंट बॉक्स में डिलीवर करेंगे। आप खुद देखेंगे आज से आपकी आत्मा स्वयं आपको किस तरह गाइड करती है, कितने अलग अलग तरह के एनर्जी लेवल के हमारे साथ सोल्स हैं, जिनकी अखंड जो यात्रा चली आ रही है अब तक, उसमें कितने तरीके के आपने अनुभव किए, उन सभी का अब रिजल्ट आपके सामने होगा यदि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे आज के मेडिटेशन में। तो दोस्तों, जो अनुभव आप महसूस करेंगे वो स्वतः ही आप बताएंगे, चाहे तो अपनी डायरी में लिखें या कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अन्य सभी का भी मार्गदर्शन हो सके। तो आज बस इतना ही कहना है कि सृष्टि में सबसे बड़े गुरु महायोगी आदि शिव जी, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में परम गुरु के नाम से जाने जाते हैं, साथ ही साथ सृष्टि का प्रत्येक कण एक दूसरे को कुछ ना कुछ ज्ञान देता है, जिसमें हम सभी, आप सभी शामिल हैं। इस प्रकार हम सभी एक दूसरे के गुरु हुए। उन सभी गुरुओं को जिन्होंने हमें किसी न किसी तरीके से, चाहे वो हमारे कार्मिक रिलेशन भी क्यों ना हो, जिन्होंने हमें ट्रिगर किया, वास्तव में वो भी हमारे लिए बहुत बड़े गुरु साबित हुए, जिन्होंने हमें जीवन पथ पर कैसे संघर्षों के साथ बैलेंस बनाना सिखाया है, उनको भी प्रणाम करेंगे। गुरु पूर्णिमा में अपने अंदर अब वो भाव जो आ चुके हैं, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, हर कोई कार्य जो हो रहा है वो प्रयोजन से है, जो सही है वो तो अच्छा है ही, लेकिन जो हमें अब तक गलत लगता था, वास्तव में उसके पीछे भी कुछ ना कुछ सही है, जिसके स्वरूप को हम बाद में देख पाते हैं। और यही दृष्टि आपकी विकसित हो जाएगी जब आप स्वयं की अंतरात्मा को गुरु के रूप में आज से अंगीकृत करेंगे। आपके अंदर दिव्य ज्योति स्वरूप जो ज्योतिर्लिंग है, वो स्वयं आपकी आत्मपुंज है। उन्हीं गुरु को प्रणाम करके हम उस जर्नी में अब नई रोशनी से आगे की दिशा में, लाइट कॉन्शियसनेस में जाने वाले हैं, जिसे हम 6D, 7D एंड 8D तक देख सकेंगे, यदि हमने अपने आप को पैरेलल साथ साथ यूनिवर्स के चलना सीख लिया, बैलेंस करना सीख लिया। तो दोस्तों, आज का मेडिटेशन बहुत पायस, बहुत पवित्र है, ऐसा माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है, और वहाँ से अमृत वर्षा होती है। किसी भी पूर्णमासी को यदि आप ऐसा करते हैं, श्वेत धवल चांदनी, जब श्वेत धवल खीर में, जिसे हम पायसम भी कहते हैं, पड़ती है, तो उसे दिव्य भोग माना जाता है, और अमृत की वर्षा जब उस खीर में पड़ती है तो वो महाप्रसाद के रूप में होता है। और यही अमृत की वर्षा जो दिव्य ज्ञान, दिव्य कॉस्मिक एनर्जी जो है, वो आपके अंदर अपने स्वरूप को भी खीर के समान मीठा, शुद्ध और जीवनदायक बनाए, ऐसी कामना के साथ आप सभी के लिए
आज का ये मैसेज, आज का ये शिव जी का संदेश। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने मेडिटेशन में दिव्य दर्शन को प्राप्त करेंगे। आज के लिए दोनों दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।